जय मसीह की। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारी चट्टान है। भजन संहिता 61 और उसके 1-2 पद में इस प्रकार से लिखा है कि हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। मेरे दोस्तों, भजनकार दाऊद इस समय संकट में है और वो संकट के समय, परेशानी के समय परमेश्वर को पुकार रहा है। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर से कह रहा है, हे परमेश्वर, मेरे चिल्लाने को सुन, मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी दुहाई को सुन, मेरे दुख पर तू ध्यान कर, मेरी प्रार्थना पर तू ध्यान कर। जब मैं व्याकुल हो गया हूँ, जब मैं परेशान हूँ, जब मेरी परिस्थितियाँ विपरीत हैं, जब मैं संकट में हूँ, चाहे मैं कैसी भी परिस्थिति में रहूं, परंतु मैं तुझको ही पुकारूंगा, पृथ्वी की छोर से भी मैं तुझको ही पुकारूंगा। परमेश्वर से वो विनती कर रहा है कि जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस चट्टान पर मुझको ले चल। मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है कि कौन सी चट्टान हमारे लिए ऊंची है, कौन सा स्थान हमारे लिए उपयुक्त है, उस चट्टान पर जिस पर मेरे पैर न फिसले, उस चट्टान पर जिसपे मैं मजबूती से खड़ा रहूं, ऐसी चट्टान पर तू मुझे ले चल। मेरे प्रियो, वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। आप जब परेशान हो, आप जब दुखी हो, आप जब निराश हो, आपका मन जब व्याकुल हो, तब दाऊद की तरह परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मुझे उस चट्टान पर स्थिर कर। अपना भरोसा उस समय उस चट्टान पर रखें जो चट्टान आपसे भी ऊंची है, जो चट्टान आपसे भी मजबूत है, उस चट्टान पर आप भरोसा रखें। वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। उस चट्टान पर आप अपने कदमों पर खड़ा कर दें, उस चट्टान पर आप खड़े रहें, उस वो चट्टान आपको गिरने नहीं देगी, वो चट्टान आपको फिसलने नहीं देगी। कि जीवन में चाहे आंधी आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान आए, परंतु आपकी मंजिल, आपका जीवन, आपकी नैया नहीं डूबेगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपकी चट्टान है। वो आपको फिसलने नहीं देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको दृढ़ता से, मजबूती से खड़े रखेंगे। मेरे प्रियो, आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, परंतु अपना भरोसा आप प्रभु यीशु मसीह पर रखें, अपना भरोसा, अपना विश्वास आप प्रभु यीशु मसीह पर रखें। आप निराश ना होएं, आप उदास ना होएं, आप पीछे ना हटें, आप प्रभु में विश्वास में बने रहें, उस पर भरोसा करते रहें। वो निश्चय आपको उन परेशानियों से, उन दुखों से, उन मुसीबतों से बाहर निकालेंगे। दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तूने मेरी प्रार्थनाएं सुन ली हैं, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। यदि आप संकट के समय, यदि आप व्याकुल के समय, यदि आप परेशानी के समय, यदि आप दुख के समय प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो वो निश्चय आपको उन प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और उन परेशानियों से, उन संकटों से, उन दुखों से आपको छुटकारा देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, उन सबको आपकी पवित्र उपस्थिति में लेकर आते हैं खुदावन, आपकी गाढ़े पवित्र लहू में ढांपते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, आपकी उपस्थिति, आपकी मौजूदगी प्रभु हम सब के साथ होने पाए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में होता हूँ। परमेश्वर हम धन्यवादी हैं, हम सब मिलकर धन्यवादी है कि आपकी उपस्थिति हम सब के साथ है परमेश्वर। सच में हम हृदय से इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि ये समय देने वाले आप हैं प्रभु, संभालने वाले आप हैं परमेश्वर। इस बात के लिए यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी बातों में आपको आदर और महिमा मिले, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य आप हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। आप हमारे छुड़ाने वाले हैं, आप हमारी चट्टान हैं, आप हमारा दृढ़ गढ़ हैं पिता, आप हमारा छुटकारा करने वाले, हमें चंगा करने वाले और हमारा सहारा है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता। इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो आपकी पवित्र उपस्थिति में इस समय मौजूद हैं परमेश्वर। प्यारे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं उनके घर परिवार को तेरे नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु, कि दिन भर में आपने दुर्घटनाओं से, बीमारियों से, दुख मुसीबतों से, विपत्तियों से इन्हें बचाकर ये समय दिया प्रभु, कि हम सब मिलकर आपकी उपस्थिति में आ सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे हृदय में बोया प्रभु। जिस प्रकार प्रभु दाऊद कहता है अपने मुसीबत, अपने संकट के समय, आप उसकी चट्टान हैं, आप उसका दृढ़ गढ़ हैं पिता, हम
हम धन्यवाद करते हैं कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी मुसीबतें हैं, परंतु हम आप पर विश्वास करें, क्योंकि आप हमें कभी टलने नहीं देंगे, आप हमें कभी गिरने नहीं देंगे। प्रभु, उसी प्रकार इस वचन के अनुसार इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी। यदि प्रभु ये कोई भी मुसीबत में है, कोई भी विपत्ति में है, कोई भी परेशानी में है, बीमारियों में है प्रभु जी, चिंताओं में है, तनाव में है, डिप्रेशन में है, एबनॉर्मल कंडीशन में है, प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार दाऊद के आप चट्टान है प्रभु, उसी प्रकार आप इन भाई बहनों की भी चट्टान है परमेश्वर, आप इनके दृढ़ गढ़ है परमेश्वर पिता, इन्हें स्थिर करने वाले परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इनकी मुसीबतें, इनकी दुख बीमारियां, इनके तनाव, इनका डर, यीशु के नाम से इनके जीवनों से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर डांट कर दूर करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार प्रभु दाऊद का विश्वास तो जीवित परमेश्वर पर था प्रभु, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों का भी विश्वास प्रभु अपनी प्रार्थनाओं के लिए, अपने निवेदनों के लिए प्रभु तू जीवित परमेश्वर पर है प्रभु। मैं विनती निवेदन करती हूँ परमेश्वर कि आपने इनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, आपने इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर इनके जीवन में दे दिया है। बहुत सारी चीजें इनके जीवन में असफल होती जा रही हैं, परंतु आप उनके दृढ़ गढ़ हैं। उस समय आप उन्हें प्रभु स्थिर करें, आप उन्हें गिरने न दें परमेश्वर पिता। मैं आपसे विनती करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार वालों के लिए, इनसे इनके रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इस मुसीबत के समय, इस परेशानी के समय, इस बीमारी के समय आप प्रभु इनके दृढ़ गढ़ बन जाइए परमेश्वर पिता, स्थिर करिए प्रभु, टूटने न दीजिए परमेश्वर पिता। यदि किसी ने इन्हें छोड़ दिया है, यदि इनके जीवन में कोई मुसीबत आ गई है, परिवार में गड़बड़ियां चल रही हैं, रिलेशनशिप टूटने पर है परमेश्वर पिता, आप इस परिस्थिति में आप इन्हें संभाले, आप इनके दृढ़ गढ़ बनिए, आप इनकी चट्टान बनिए, इन्हें गिरने न दीजिए परमेश्वर, इन्हें संभालिए इस परिस्थिति में। प्यारे खुदावन हम प्रार्थना करते हर एक के कर्जे यीशु के नाम से चले जाए, प्यारे खुदावन हर एक की बीमारी यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़कर चले जाए, हर एक तनाव उनके जीवन से चला जाए, हर एक डर, हर एक मुसीबत, हर एक विपत्ति उनके जीवन से चली जाए प्यारे प्रभु। अपनी सुख, शांति, समृद्धि इन भाई बहनों के जीवन में, इनके परिवार के जीवन में दीजिए परमेश्वर पिता। उन चिंताओं को पिता मैं आपके सम्मुख लेकर आती हूँ प्रभु, इन भाई बहनों को आप विश्राम दीजिए, आप इन्हें प्रभु सुकून दीजिए, आप इनकी चट्टान है क्योंकि आप इन्हें टलने नहीं देंगे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपकी सुरक्षा दायरे में हम इन भाई बहनों को रखते हैं प्रभु, हर एक डर आप इनके जीवन से दूर करें प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।